सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो लो एंड पीसी गेमर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच गेम्स बताऊंगा जिन्हें आप अपने लो एंड पीसी या फिर पोटैटो पीसी में आराम से खेल सकते हो। बस आपके कंप्यूटर में 2GB की रैम, इंटेल HD और पेंटियम डुअल कोर का एक प्रोसेसर होना चाहिए। और अगर आपके कंप्यूटर में ये चीजें हैं तो आप उन गेम्स को आराम से चला पाओगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वो गेम्स सही में काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे वो गेम्स काफी ज्यादा पसंद आई। और उन गेम्स के नाम जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, कि आपको भी उनमें से कोई गेम पसंद आ जाए। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बात करते हुए लिस्ट के फर्स्ट और काउंटडाउन के फिफ्थ गेम की, जिसका नाम है पोर्टल 2। सो गाइस, जहां तक मैं इस गेम की बात करूं, ये एक पजल सॉल्विंग गेम है और एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, एक एक्शन गेम है, एक एडवेंचर गेम है और एक एक्शन एडवेंचर गेम है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस गेम के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इस गेम का जो नाम है वही सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस गेम का कॉन्सेप्ट कैसे होने वाला है, ये गेम कैसी होने वाली है। बट फिर भी अगर आपको इस गेम का कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इस गेम में आपके पास एक मशीन रहती है या फिर एक गन रहती है, और उस गन से आप एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट कर सकते हो एक पोर्टल फॉर्म करके, और उसी गन की मदद से आप अपने सामने आने वाले ऑब्स्टिकल्स या फिर पजल्स को सॉल्व करते हो। एंड इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर दोनों ही मोड्स देखने को मिल जाएंगे। और जहां तक मैं बात करूं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा 3.0 GHz पेंटिनम 4 का एक प्रोसेसर और 2GB की रैम, और वीडियो कार्ड आपको चाहिए होगा 128MB का और 8GB का फ्री स्पेस। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम की, जिसका नाम है बर्न आउट पैराडाइज। सो गाइस, आपको ये बात तो पता ही होगी कि मैं अपनी हर एक वीडियो में एक रेसिंग गेम जरूर रखता हूँ, और इस लिस्ट में भी मैंने एक रेसिंग गेम रखी है जिसका नाम है बर्न आउट पैराडाइज। एंड जहां तक मैं इस गेम की बात करूं, इस गेम में आपको अलग अलग रेसिंग ट्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कार्स देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और जहां तक मैं बात करूं गेम के ग्राफिक्स की, वो इतने कुछ खास नहीं देखने को मिलते आपको, क्योंकि गेम थोड़ी सी पुरानी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गेम बेकार है, इस गेम को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। और इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा 2.8 GHz इंटेल पेंटिनम 4 का एक प्रोसेसर, 1GB की रैम, और ग्राफिक्स कार्ड की यहाँ पर इतनी कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली, और 8GB तक का फ्री स्पेस। सो गाइस, ये तो बात हुई हमारे लिस्ट के उस गेम की जो कि बिलोंग करती है रेसिंग कैटेगरी से। तो अब चलते हैं उस गेम की तरफ जो कि बिलोंग करती है स्टोरी लाइन कैटेगरी से, और उस गेम का नाम है द वॉकिंग डेड। सो गाइस, इस गेम के बारे में बात करते हुए मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर किसी गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गेम भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ये बात इस गेम को जरूर डिफाइन करती है, काफी ज्यादा अच्छी तरह डिफाइन करती है, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स इतने कुछ खास नहीं है, बट इस गेम की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिनमें आपको रोना आ जाएगा। एंड काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करी है पास्ट में। और ये गेम सेट होती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर ज़ॉम्बीज का कब्जा है, बस कुछ ही लोग बचे होते हैं, और उन लोगों के साथ आप सर्वाइव करते हो और उन ज़ॉम्बीज को मारते हो। एंड बस इतना ही नहीं, इस गेम को काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एंड इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो पूरी तरह आपके ऊपर या फिर आपके मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि इस गेम में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस को चूज करना होगा, और उन्हीं ऑप्शंस के जरिए गेम आगे बढ़ेगी। वैसे मुझे पता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा जो जो मैंने कहा, मुझे भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। खैर, अब बात करते हैं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की। तो इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा 2.0 GHz पेंटिनम 4 का एक प्रोसेसर, 3GB की रैम, एंड वीडियो कार्ड आपको चाहिए होगा 512MB का और 15GB का फ्री स्पेस। सो गाइस, ये तो बात हुई हमारे काम डाउन के या फिर लिस्ट के थर्ड नंबर के गेम की। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है लाइफ इज स्ट्रेंज। सो गाइस, पिछली गेम की तरह ये गेम भी एक स्टोरी लाइन बेस्ड गेम है, और पिछली गेम की तरह इस गेम की भी स्टोरी लाइन सही में काफी ज्यादा अच्छी है, बस इसके ग्राफिक्स थोड़े अच्छे हैं। तो इस गेम में आप रोल प्ले करते हो मैक्सिन का, जो कि इस गेम की मेन कैरेक्टर है, और उसे फोटोज खींचना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ ऐसी नेचुरल पावर्स है जिससे वो टाइम को पीछे कर सकती है, और इसी चीज को लेकर गेम की मेन स्टोरी लाइन को बनाया गया है। और हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसकी दोस्त कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में फंसती रहती है, और जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो कैसे उसे रेस्क्यू करती है, वो सब भी दिखाया गया है। और भी इस गेम की स्टोरी लाइन में काफी कुछ है जो कि आपको तब पता चलेगा जब आप इस गेम को खेलोगे। और इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए होगा डुअल कोर 2.0 GHz और 2GB की रैम, और वीडियो कार्ड आपको चाहिए होगा 512MB तक का, और कम से कम 14GB का फ्री स्पेस। और बाकी इस गेम को जरूर ट्राई करना सही
सही में ये गेम वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन गेम है। सो गाइज अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम की जो कि बिलोंग करती है असासिन्स क्रीड सीरीज से और गेम का नाम है असासिन्स क्रीड फॉर ब्लैक फ्लैग। सो गाइज क्या आपको पता है असासिन्स क्रीड सीरीज किस चीज के लिए जानी जाती है? उसके अंदर होने वाले पार्कौर के लिए, बट उसी के साथ साथ ये सीरीज इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि इन सीरीज की स्टोरी लाइन में कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स भी दिखाए होते हैं एंड वो हिस्टोरिकल इवेंट्स इस गेम की स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और इन गेम्स में आपको असासिनेशन करना होता है जो कि इन गेम्स के नाम को ही सुनकर पता चलता है आप एक असासिन होते हो और आपको अपने टारगेट को असासिनेट करना होता है। एंड इस गेम का कॉम्बैट काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब सही में काफी ज्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आप जो गेम प्ले देख रहे हो उसी को देखकर आप समझ सकते हो कि इस गेम का जो कॉम्बैट सिस्टम है वो कितना ज्यादा अच्छा है। एंड इस गेम को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल कोर 2 क्वाड प्रोसेसर, 2GB की रैम और स्टोरेज चाहिए होगा आपको 40GB तक का और वीडियो कार्ड चाहिए होगा 512MB का। और अगर आपके पीसी में ये चीजें हैं तो आप इस गेम को आराम से खेल पाओगे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, मैं आपको टॉप 5 लो एंड पीसी गेम्स बता चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी वीडियोज़। गुड बाय।